सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की स्टूडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्राइस्ट वर्सेस नासमुंजे। अब देखिए, जब भी वर्सेस वर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दोनों को लड़वाने वाला हूँ। मैं कभी भी इस तरह से नहीं करता हूँ। वर्सेस का मतलब बस ये कि मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा सही रहेगी और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए। अब देखिए, आपको पता है कि क्राइस्ट एंड नासमुंजे दोनों ही ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो अपने फॉर्म्स बहुत जल्द रिलीज कर देती हैं। नासमुंजे के ऑलरेडी फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं 1 दिसंबर से और आप फिल कर सकते हैं 21 मई तक। एंड क्राइस्ट के फॉर्म्स बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं, तो आप क्राइस्ट के फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोनों यूनिवर्सिटीज को मैं कंपेयर करने वाला हूं, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और इस वीडियो के अंदर कोई ऐसा नहीं कि मैं जस्ट यहां पर आ गया हूं, जो मेरे मन में आएगा मैं कुछ भी बोल दूंगा और आप सुन लोगे, ऐसा नहीं है। आज की वीडियो काफी ज्यादा डिटेल में होने वाली है, काफी ज्यादा फैक्ट बेस्ड होने वाली है। जितने भी स्क्रीनशॉट्स आप यहां पर देखने वाले हैं वो सारे सारे आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स के ही मिलने वाले हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर को लेकर, उनके प्लेसमेंट्स को लेकर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, हर चीज के बारे में, राइट, उनके एडमिशन प्रोसीजर को लेकर। तो आपको यहीं पर सारे सारे ऑफिशियल स्क्रीनशॉट्स में आपको दिखाने वाला उनकी वेबसाइट से ही। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं क्राइस्ट के लिए, नासमुंजे के लिए, बीबी आपको करनी है, या फिर मान लीजिए आप बीबीए बीएमएस कहीं और से करना चाहते हैं, सिमर्सिस से आप करना चाहते हो, जेवीएस से आप करना चाहते हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको करनी है, या फिर इपमेट जिपमेट का एंट्रेंस आपको देना है, आईपीयू सेट आपको देना है, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, और अगर आप हेलो सेंड करोगे तो हम लोग आपको वहां पर कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं, चाहे आप क्राइस्ट टारगेट कर रहे हो, चाहे आप नासमुंजे टारगेट कर रहे हैं। कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ईबुक्स आपको मिल जाएगी, मेंटरशिप आपको मिलेगी, तो परफेक्ट जो प्रिपरेशन है वो आपकी यहां पर होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं क्राइस्ट एंड नासमुंजे के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं हम लोग क्राइस्ट से, फिर उसके बाद हम लोग नासमुंजे की बात करेंगे। तो देखिए, अगर मैं क्राइस्ट की बात करूं तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस हैं। जिस तरह से मान लीजिए अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर के अंदर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के 4 कैंपसेस हैं, जिसके अंदर सबसे मेन कैंपस जो है उसका सेंट्रल कैंपस है, इसके अलावा फिर बीजीआर कैंपस है, केंगरी कैंपस है, और जस्ट अभी एक नया कैंपस उन लोगों ने लॉन्च किया है जिसका नाम है यशवंतपुर कैंपस। तो ये 4 कैंपसेस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बेंगलोर के अंदर ही है। इसके अलावा जो कैंपस है, फिर उनका कैंपस आ जाता है दिल्ली एनसीआर के अंदर भी एक है, इसके अलावा उनका पुणे लवासा के अंदर भी है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें पता होता है कि सबसे पॉपुलर जो कैंपस है वो उनका सेंट्रल कैंपस है, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सेंट्रल कैंपस को ही टारगेट करते हैं। तो अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आप ये मत देखना कि यार मेरे घर के पास तो यार दिल्ली वाला कैंपस है तो मैं दिल्ली में चला जाता हूँ। सबसे पहले आप टारगेट करना उनके बेंगलोर के सेंट्रल कैंपस को, वही उनका सबसे ज़्यादा वर्थिट कैंपस है, सबसे बढ़िया उनका कैंपस बेंगलोर का सेंट्रल कैंपस ही है, राइट। तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है, अगर आप क्राइस्ट टारगेट करें तो आपका सेंट्रल कैंपस जो है वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली मान लीजिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, और मैं जो बात कर रहा हूँ बीबीए के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बीबीए बीएमएस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो मैं बीबीए के परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मान लीजिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट कौन सा देना होता है, आपको देना होता है सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट। अब ये सीयूईटी डीयू वाला सीयूईटी नहीं है, ये सीयूईटी डिफरेंट सीयूईटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, वो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वाले सीयूईटी की, तो आपको ये सीयूईटी देना पड़ता है। एंड इसके अंदर आपका जो एग्जाम पैटर्न है बेसिकली वही आता है आपका जीके वर्बल एलआईडी क्वांट्स प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग, तो ये आपको सारे के साथ सिलेबस जो आपको देखने को मिलेगा, और उसके बेसिस पर ही आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फीस एंड प्लेसमेंट की, उसके बाद हम एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगर मैं बात करूं फीस की, तो देखिए आपको पता है जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा बढ़िया आपको मिल जाता है, और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको काफी बढ़िया पैसे भी वहां पर पे करने पड़ते हैं। तो अगर मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मान लीजिए अगर आपकी डोमिसाइल कर्नाटका की है, अगर आपके पेरेंट्स आप कर्नाटका ही रहते हो, तो आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो है 1,70,000 फॉर 1 ईयर। तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 करके आप निकाल सकते हो 3 साल में आपकी कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, कितने में आपकी ग्रेजुएशन होगी, राइट। अगर आप कर्नाटका के बाहर के स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए आप दूसरी स्टेट से आ रहे हैं, तो फिर आपको जो फीस पे करनी पड़ती है वो है 1,90,000। तो आप अगेन समझ सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो फीस जो है आपको थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ डीयू के किसी कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वहाँ पर आपको भाई 30,000 के अंदर 15,000 के अंदर आपकी पूरी ग्रेजुएशन हो जाती है, राइट। ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पूरे 1 साल की फीस आपकी होती है 15,000 के आसपास, राइट। तो उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फीस है। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो हम लोग आरओआई निकालते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम कितनी फीस वहां पर पे कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज हमें कितने रिटर्न हमें दे पा रहा है। तो अगर हम बात करूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो देखो यहाँ पर इनके प्लेसमेंट के पेज के ऊपर सिंपल सी सारे सारे कोर्सेज लिखे होते हैं, राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर कंपनी लिखी होती है, और बीच में इनकी प्लेसमेंट लिखी होती है, वो हाईएस्ट प्लेसमेंट ही होती है। एवरेज प्लेसमेंट क्या रही है, कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, क्या हुआ है, वो बहुत ही कम डिटेल आपको वहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, एमबी लिखा हुआ है, एंड प्लेसमेंट एमबी में कितनी लगी थी, 21.46 लाख पर एनम की आपको प्लेसमेंट दिख रही होगी यहाँ पर। तो एमबी की प्लेसमेंट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और सैंडिस जो थी उसने ये प्लेसमेंट दी थी,
तो एमबीए तो काफी बढ़िया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, तो सबसे नीचे आप देखिए आपको दिख जाएगा बीबीए लिखा होगा, एंड बीबीए की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट थी वो थी 10 LP, और हर बार ही 10 LP के आसपास इनकी बीबीए की हाईएस्ट प्लेसमेंट होती है। और अगेन ये हाईएस्ट प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी को मिलती है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को ही ये प्लेसमेंट मिलती है। तो 10 LP की आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट मिल रही है, फीस आपको यहाँ पर 1.9 या फिर 1.7 लाख आपको देनी पड़ रही है। तो आप देख लीजिए आपको वर्थ इट लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, आपको एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा जो जस्ट आने ही वाले हैं। आपने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दिया, क्राइस्ट का फॉर्म फिल करने के बाद आपको उनका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, फिर आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। एग्जाम आप दे दोगे, एग्जाम के अंदर क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा, अगेन वही जीके मोबाइल एलआईडी क्वांट्स प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग, यही आपका सिलेबस होता है, इसी के अंदर से एप्टीट्यूड के अंदर से ही आता है। आपने वो अपना जो टेस्ट था वो आपने दे दिया, इसके बाद फिर यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है जिसके अंदर आपको MPPI देना पड़ता है, यानी कि आपको पर्सनल इंटरव्यू होता है प्लस आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। माइक्रो प्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आपको बोलना होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, तो MPPI आपको देना होता है। देन उसके बाद इनके फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आती है, आपको पता चलता है आपको एडमिशन मिला है या फिर नहीं मिला है। लेकिन अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, वो क्या है कि भाई मान लीजिए आपको एडमिशन मिल गया आपके ड्रीम कैंपस के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप सेकंड राउंड के अंदर फिर से अप्लाई कर सकते हैं। 20 दिन के अंदर उनका सेकंड राउंड भी फिर से हो जाता है, आप दोबारा से अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आपको दोबारा से टेस्ट देना होगा। अगर उसके अंदर नहीं होता फिर आप दोबारा से थर्ड राउंड के अंदर अप्लाई कर दीजिए, जो अगेन 15-20 दिन के अंदर फिर से होता है। तो अगर नहीं होता भाई उसके अंदर फिर 3-4 राउंड्स इनके चलते रहते हैं, तो जब तक आपका एडमिशन नहीं होता आप बार बार इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट राउंड्स होते हैं, पहले में हो जाए बढ़िया है, सेकंड में कर दो, थर्ड में कर दो, इस तरह से उनके राउंड चलते रहते हैं। तो इस तरह से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन प्रोसेसर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ एक चीज़ मैं भूल गया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट बहुत ही बढ़िया, चाहे नारसमुंजी हो चाहे क्राइस्ट हो, क्योंकि दोनों ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ का भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि फीस भी आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जहाँ पर आपको 15,000 फीस पे करनी पड़ रही है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नारसमुंजी के बारे में, राइट। सो देखिए नारसमुंजी के अंदर भी डिफरेंट कैंपसेज है, जिस तरह से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर थे। अब नारसमुंजी के जो कैंपसेज हैं भाई मुंबई के अंदर भी है, नवी मुंबई के अंदर भी है, इसके अलावा बेंगलोर के अंदर भी है, इसके अलावा हैदराबाद के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर है, इंदौर के अंदर है, धुले के अंदर है। तो ये कुछ कैंपसेज हैं जो आपको नारसमुंजी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट की ये बात है कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप बीबीए करना चाहते हो तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, 12th क्लास के अंदर उनके पास एंट्रेंस एग्जाम के अंदर बेसिक क्वांट्स आता है, वो आपको करना होता है। लेकिन यहाँ पर नारसमुंजी के अंदर अगर आप मुंबई, नवी मुंबई या फिर बेंगलुरु, अगर आप इन तीन कैंपसेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन तीन कैंपसेस के अंदर आपके पास 12th क्लास में मैथ्स या फिर स्टैट्स के अंदर से आपके पास एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट होगा तभी आप इन तीन कैंपसेस के अंदर अप्लाई कर पाओगे, मुंबई, नवी मुंबई एंड बेंगलुरु। इसके अलावा जो बाकी कैंपसेस हैं वहां पर आप नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं बीबीए के लिए। तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन जिस तरह से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का सेंट्रल कैंपस सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंपस है, इसी तरह से नारसमुंजी का भी जो मुंबई कैंपस है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंपस है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो तो भाई मुंबई जो कैंपस है उसको आप जरूर टारगेट करना, वही उनका मेन कैंपस है, वही काफी ज्यादा वर्थ इट कैंपस है, राइट। अब देखिए अगर हम बात करूँ मुंबई कैंपस से, मान लीजिए आप बीबीए कर रहे हो तो वहाँ पर 600 सीट्स आपको देखने को मिलती है, 600 सीट्स हैं। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर 12 LP का हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है, एंड एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर 5 LP आपको देखने को मिलती है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 10 LP की प्लेसमेंट थी और यहाँ पर आपको 12 LP की देखने को मिल रही है हाईएस्ट प्लेसमेंट, बट अगेन हाईएस्ट सभी को नहीं मिलती है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को ही मिलती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे लिए वर्थ इट क्राइस्ट, तो आप क्राइस्ट में चले जाइए। अगर आपको लग रहा है मेरे लिए वर्थ इट फिर नारसमुंजी, तो आप नारसमुंजी के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ नारसमुंजी का फीस स्ट्रक्चर, और शायद आप फीस स्ट्रक्चर सुनकर के थोड़े से हैरान हो सकते हो, क्योंकि नारसमुंजी का फीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है भाई। अब देखिए मान लीजिए अगर आप मुंबई कैंपस से बीबीए कर रहे हो तो वहाँ पर आपको फीस पे करनी पड़ती है 3,25,000, वो भी एक साल की। आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक साल की, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा ग्रेजुएशन में आपको कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मुंबई कैंपस के अंदर 600 सीट्स आपको मिलेंगी, नवी मुंबई के अंदर 240 सीट्स है, एंड फीस अगेन सेम ही फीस है 3,25,000। इसके बाद बेंगलुरु कैंपस के अंदर 240 सीट्स है, एंड जो आपको फीस देखने को मिलेगी 3,15,000 फॉर 1 ईयर। इसके अलावा हैदराबाद कैंपस, इंदौर कैंपस, चंडीगढ़ कैंपस, इनके अंदर फीस 2,75,000 फीस है, एंड इसके अलावा धुले की बात करूँ तो 1,52,000 फीस है। तो धुले की यहाँ पर सबसे कम फीस है, राइट। तो इनका फीस स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से फीस देखने को मिलेगी। अगर आपको लगता है कि यार फीस मैं पे कर सकता हूँ, काफ़ी सही फीस है और मुझे काफ़ी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आप नारसमुंजी को जरूर टारगेट कर सकते हैं। नारसमुंजी के अंदर खास चीज़ ये है कि इनके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस नारसमुंजी का क्या है। सबसे पहले आपने नारसमुंजी का फॉर्म फिल कर दिया, आई होप आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो आप कर दीजिएगा बहुत जल्द। और हाँ एक चीज़ मैं बीच में बोलना चाहता हूँ,
तैयारी तो आप हमारे साथ कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और तैयारी आप आज से शुरू कर सकते हैं। सो अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो देखो एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म आपने फिल कर देना है समझे का। फॉर्म फिल करने के बाद आपको टेस्ट देना है, एनपेट का जो टेस्ट होता है, एनपेट का टेस्ट जो होगा उसके अंदर आपका जीके नहीं आता है, वर्बल एलआर एंड क्वांट्स यही आपके तीन सेक्शन आते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू है, देन उसके बाद आपका जो फाइनल एडमिशन है वो आपका नार्सम मुंजी के अंदर हो जाता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस नार्सम मुंजी का है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि एग्जाम जो है नार्सम मुंजी का वो एक दिन ही नहीं होता है, आपको एक स्लॉट्स मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिस भी स्लॉट के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अपना एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो, उस स्लॉट के अंदर आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। आप डेट चूज कर सकते हो कि मैं इस डेट पर अपना एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, तो जो स्लॉट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी चूज कर सकते हो, किसी भी डेट पर अपना जो एंट्रेंस टेस्ट है आप दे सकते हैं, जो भी स्लॉट्स आपको प्रोवाइडेड वहाँ पर होते हैं, राइट। तो इस तरह से बेसिकली नार्सम मुंजी के अंदर पूरा आपको देखने को मिलता है एडमिशन प्रोसेसर। तो आई होप मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी होंगी क्राइस्ट के बारे में भी एंड सिंबसिस के बारे में, नार्सम मुंजी के बारे में भी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो भाई तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, BBA, BMS, IPM या फिर CUET जो डेलिम स्टडी के लिए होता है, आपको BA करनी है, BSc करनी है, BCOM करनी है, BBA, BMS जो भी आप करना चाहते हो कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। आप सिर्फ व्हाट्सएप पर हेलो सेंड कर दीजिए, आप बता दीजिए कि कौन से एंट्रेंस टेस्ट के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, आपको वही प्रॉपर कंटेंट जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, टॉपिक बेस्ड टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलेगा, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाया जाएगा कि भाई फर्स्ट डे कौन से लेक्चर्स देखने हैं, सेकंड डे कौन से लेक्चर्स देखने हैं। तो इस तरह से आपको एक प्रिपरेशन जो आपकी करवाई जाएगी जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।